नवी मुंबई महानगरपालिका में 9 सितंबर को 355 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 29,000 का आंकड़ा पार करते हुए 29,165 तक पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 3,470 तक पहुंच चुकी है। नवी मुंबई हाइलाइट्स। बता दें कि नवी मुंबई वाशी महानगरपालिका अस्पताल कोविड फ्री होने जा रहा है। नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने वाशी के महानगरपालिका अस्पताल में नॉन कोविड मरीजों के लिए विशेष सावधानी और अलग एंट्री एग्जिट के साथ मनपा वाशी अस्पताल में जनरल ओपीडी की शुरुआत कर दी है। बता दें कि नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा आज 300 से अधिक रहा, तो वहीं मृतकों की संख्या में आज कमी देखने को मिली। आज नवी मुंबई के लिए राहत भरी खबर ये भी रही कि रिकवरी रेट में इजाफा देखने को मिला और रिकवरी रेट 86% दर्ज किया गया, जबकि नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा अब तक तकरीबन 1.5 लाख लोगों की कोरोना जाँच की जा चुकी है। आज फिर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज वाशी शहर से पाए गए। रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर कोविड-19। बता दें कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की कुल संख्या 91,030, रैपिड एंटीजन टेस्ट की आज की संख्या 1,789, आरटीपीसीआर टेस्ट की कुल संख्या 59,145, कुल कोरोना जांच की संख्या 1,50,175। ऑल इज वेल। आज नवे मुंबई के लिए ऑल इज वेल ये रहा कि 299 कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज कर दिए गए और इसी के साथ कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या में हुआ इजाफा और आंकड़ा पहुंचा 25,000 पार करते हुए 25,055 और इसी के साथ कोरोना मुक्त डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 86% दर्ज की गई। बता दें कि आज नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण से कुल 5 लोगों की मौत के साथ कोरोना संक्रमण से मृत्यु का कुल आंकड़ा बढ़कर 640 तक पहुंच चुका है। कोरोना वायरस इन किड्स। बता दें कि आज 10 सालों से कम उम्र के कुल 13 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि नवी मुंबई में 0 से 10 साल के एज ग्रुप में कितने बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि एरोली में आज 1 लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि बेलापुर में 2 लड़के कोरोना पॉजिटिव पाए गए। घनसोली से 1 लड़का और 2 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। कोपखैरने से 1, नेरुल से 1 लड़की कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जबकि वाशी से 1 लड़का और सानपाड़ा से 3 लड़के और 1 लड़की कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बता दें कि कोपखैरने में 1 वर्षीय 1, एरोली में 5 वर्षीय 1, बेलापुर में 5 वर्षीय 1 और 7 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। घनसोली में 2 वर्षीय 1, 3 वर्षीय 1 और 8 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि वाशी में 8 वर्षीय 1 और नेरुल में 6 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि सानपाड़ा में 6 वर्षीय 1 और 5 वर्षीय 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो नवी मुंबई में 8 डिस्चार्ज मरीजों की संख्या में शामिल हैं 128 महिलाएं और 171 पुरुष। बता दें कि डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल हैं बेलापुर से 15 महिलाएं, 19 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। नेरुल से 26 महिलाएं, 27 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। वाशी से 9 महिलाएं, 13 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। तुर्भे से 17 महिलाएं, 25 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। कोपखैरने से 18 महिलाएं, 31 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। घनसोली से 17 महिलाएं और 33 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। एरोली से 23 महिलाएं, 18 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, जबकि दिघा से 3 महिलाएं और 5 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से अब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नवी मुंबई में आज कहां कहां पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। बता दें कि एरोली में 34, कोपखैरने में 42, बेलापुर में 40, घनसोली में 39, नेरुल में 58, रबाले में 2, सानपाड़ा में 37, सीवुड में 22, तुर्भे में 9, वाशी से आज सबसे अधिक 62, दिघा से 6 और जीनगर से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। बता दें कि एरोली सेक्टर 10 से 2, सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 17 से 3, सेक्टर 19 से 5, सेक्टर 2 से 3, सेक्टर 20 से 2, सेक्टर 4 से 3, सेक्टर 5 से 3, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 9 से 2, सेक्टर 8 ए से 1, एरोली से 2, चिंचपाड़ा से 2, सेक्टर 10 ए से 2, देवागांव से आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। सानपाड़ा की तरफ बढ़े तो सानपाड़ा सेक्टर 1 से 1, सेक्टर 10 से 3, सेक्टर 11 से 1, सेक्टर 14 से 4, सेक्टर 15 से 2, सेक्टर 16 से 4, सेक्टर 17 से 1, सेक्टर 2 से 1, सेक्टर 4 से 3, सेक्टर 5 से 9, सेक्टर 7 से 2, सेक्टर 8 से 3, सानपाड़ा से 2,
सेक्टर 13 से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। तुर्भे की तरह बढ़े तो तुर्भे सेक्टर 20 से एक, सेक्टर 21 से एक, सेक्टर 24 से दो, सेक्टर 22 से तीन, तुर्भे गांव से एक, तुर्भे स्टोर से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। कोपे घेरने की तरफ बढ़े तो सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 10 से 1, सेक्टर 11 से 6, सेक्टर 14 से 2, सेक्टर 15 से 3, सेक्टर 16 से 2, सेक्टर 17 से 1, सेक्टर 19 से 4, सेक्टर 20 से 2, सेक्टर 4 से 2, सेक्टर 5 से 1, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 7 से 2, सेक्टर 8 से 3, सेक्टर 18 से 2, सेक्टर 12 बी से 3, सेक्टर 19 ए से 1, बोनकोड़े से 2, सेक्टर 22 सी से 1 और सेक्टर 4 ए से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। जयनगर की तरफ बढ़े तो जयनगर सेक्टर 24 से 1, सेक्टर 23 से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। बेलापुर से 1, बेलापुर सेक्टर 20 से 6, सेक्टर 4 से 2, सेक्टर 10 से 1, सेक्टर 11 से 1, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 15 से 3, सेक्टर 19 20 से 2, सेक्टर 19 से 1, सेक्टर 25 से 1, सेक्टर 3 से 1, करावे से 2, सेक्टर 6 से 2, सेक्टर 8 से 8, सेक्टर 8 बी से 4, सेक्टर 30 से 1, दिवाले गांव से 1, सेक्टर 21 22 से 1 और सेक्टर 30 31 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। रबाले की तरफ बढ़े तो रबाले के महापे से 1 और महापे गांव से आज 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई, जबकि सीवुड की तरफ बढ़े तो सीवुड से 1, दारावे से 2, सेक्टर 23 से 1, सेक्टर 40 से 3, सेक्टर 44 से 3, सेक्टर 38 से 3, सेक्टर 50 से 2, सेक्टर 44 ए से 1, सेक्टर 48 से 2, सेक्टर 48 ए से 1, सेक्टर 56 से 2, सेक्टर 42 ए से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। नेरुल की तरफ बढ़े तो नेरुल सेक्टर 10 से 1, सेक्टर 16 से 4, सेक्टर 19 से 1, सेक्टर 20 से 5, सेक्टर 21 से 4, सेक्टर 3 से 5, सेक्टर 4 से 3, सेक्टर 5 से 4, सेक्टर 6 से 3, सेक्टर 18 से 2, सेक्टर 28 से 3, सेक्टर 16 ए से 2, सेक्टर 27 से 3, सेक्टर 50 से 2, शिरवने से 1, सेक्टर 19 ए से 3, सेक्टर 48 ए से 1, सेक्टर 45 ए से 1, सेक्टर 25 से 5, सेक्टर 13 से 3, कुक्षेत से 1 और सारसोले से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। दीघा की तरफ बढ़े तो दीघा से 4, कातकरीपाड़ा से 1, बिंदु माधवनगर से आज 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई, जबकि वाशी की तरफ बढ़े तो वाशी सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 2 से 1, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 9 से 7, सेक्टर 17 से 4, सेक्टर 29 से 5, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 10 से 1, सेक्टर 14 से 15, सेक्टर 18 से 1, सेक्टर 26 से 2, सेक्टर 28 से 4, सेक्टर 3 से 1, सेक्टर 12 से 3, सेक्टर 11 से 2, जुहू गांव से 7, सेक्टर 30 से 1, सेक्टर 10 ए से 1, सेक्टर 31 से 1 और सेक्टर 26 ए से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। जबकि घनसोली की तरफ बढ़े तो घनसोली सेक्टर 1 से 1, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 8 से 3, सेक्टर 9 से 7, सेक्टर 7 से 3, सेक्टर 5 से 4, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 3 से 2, सेक्टर 21 से 1, सेक्टर 11 से 1, महात्रेआली से 1, चिंचाली से 1, गोठिवली से 4, घनसोली गांव से 5, नवघर आली से 2 और तलौली से आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन से एज ग्रुप में आज सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। बता दें कि 0 से 10 साल के एज ग्रुप में 13, 11 से 20 की एज ग्रुप में 15, 21 से 30 की एज ग्रुप में 61, 31 से 40 की एज ग्रुप में 86, 41 से 50 की एज ग्रुप में 66 और 50 से अधिक के एज ग्रुप में कुल 114 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। तो चलिए डालते हैं अब आंकड़ों पर नजर। कुल कोविड 19 टेस्ट जनसंख्या 150,175, कोरोना पॉजिटिव केस 9 सितंबर 2020 यानी आज 355, कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 29,165, कोरोना के एक्टिव केस 3,470, क्वारंटाइन का समय पूरा करने वालों की संख्या 358,020, कोरोना जांच में पाए गए कुल नेगेटिव केस 35,932, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 25,055, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 9 सितंबर 2020 यानी आज 299, रिपोर्ट प्रलंबित 696, कोरोना से मृत्यु का कुल आंकड़ा 640 और आज कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा दर्ज किया गया 5। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी में नेटवर्क।